हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री कृष्णा गेमिंग और मैं आज लाया हूं ब्रॉस स्टार्स का एक और नया वीडियो। मार्च अपडेट अब रिलीज हो गया है। इस अपडेट में न्यू लोडिंग स्क्रीन आई है, जैसे कि आप देख सकते हो इसको एक फुटबॉल थीम की तरह बनाया गया है और हमारे बैकग्राउंड थीम भी चेंज हो गया, ग्रीन कलर हो गया है और उसमें फुटबॉल के कुछ पैचेज आए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे ब्रॉल बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग। उम्मीद है हमारा कोई नया गैजेट या नई स्टार पावर या फिर नया ब्रॉलर जो कि जिसका नाम है जैकी, वो ओपन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डैरिल ब्रॉलर है उसका रीमॉडल हुआ है, तो उसे सबसे पहले देख लेते हैं अब वो कैसा दिख रहा है। और ये रहा डैरिल, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है। और इसकी जो गैजेट है वो है रिकॉलिंग रोटेटर, ये भी बॉडी बहुत ज्यादा यूनिक है। चलो इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं और देख सकते हो आप बहुत ही ओपी लग रहा है ये। मेरे पास है 37 स्मॉल बॉक्सेस और 7 बिग बॉक्सेस और शॉप में एक स्मॉल बॉक्स और एक मेगा बॉक्स आया हुआ है, तो उसे भी हम जरूर ओपन करेंगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम करते हैं अपने ब्रॉल बॉक्स की अनबॉक्सिंग, लेकिन एक इंट्रो के बाद। और ये पहला गैजेट खुलता हुआ जो कि है डैरिल का, जिसका नाम है रिकॉलिंग रोटेटर। इसको हम करेंगे बाद में यूज, अभी अनबॉक्सिंग पहले हम कर ले कंप्लीट। और ये अब ओपन हो रहा है एक नया ब्रॉलर जिसका नाम है जैकी। ये ब्रॉलर थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुआ है और अब ये मेरे पास है। मेरे 5 सुपर रेयर ब्रॉलर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये फिर से कौन है अब ब्रॉलर, ये स्पाइक लेजेंडरी ब्रॉलर भी मेरे अब कंप्लीट हो गए हैं। मतलब मेरे पास अभी जितने भी ब्रॉलर रिलीज हुए हैं अब वो सभी हैं, मैं सभी ब्रॉलर्स को अब यूज कर सकता हूं। मेरे सभी ब्रॉलर्स का सेट अब कंप्लीट हो गया है। स्मॉल बॉक्सेस और बिग बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग हो गई है खत्म और इस अनबॉक्सिंग में मेरे पास आया है डैरिल ब्रॉलर का गैजेट और 2 न्यू ब्रॉलर जिसका नाम है जैकी एंड स्पाइक। चलिए एक स्मॉल बॉक्स और एक मेगा बॉक्स बचा है, स्मॉल बॉक्स को ओपन करते हैं। इसमें से कुछ खास नहीं निकला। अब मेगा बॉक्स बचा है, इसको पहले ओपन करेंगे। 164 क्वाइंस, वेरी गुड। जैकी की 9 पावर पॉइंट्स, अच्छा है। तारा के 10 पावर पॉइंट्स, मोटिस के 29 और मिस्टर पी के 44 पावर पॉइंट्स और लास्ट में 45 डैरिल के। और ये जगमग कर रहा कुछ। और ये स्टार पावर मिल गया मुझे बुल की, जिसका नाम है टफ गाय। और ये ही मुझे चाहिए थी, जितने ज्यादा ब्रॉलर होंगे मैं स्टार पावर के उतना मुझे पावर प्ले में इजी होगी। और 11 जस्ट इस अनबॉक्सिंग में तो कमाल ही हो गया, इतना ज्यादा फायदा हुआ। मेरे पास एक स्टार पावर आई, एक न्यू गैजेट आया, 2 न्यू ब्रॉलर्स आए, एक सुपर रेयर और एक लेजेंडरी। चलो अब गैजेट को करते हैं हम यूज। अब हम खेलेंगे डैरिल ब्रॉलर के साथ डुओ शोडाउन में। नया बटन आया है हमारे स्क्रीन में जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि गैजेट यूज करने में काम आएगा। डैरिल का ये जो गैजेट है वो सिर्फ 3 टाइम्स यूज हो सकता है एक मैच में और बाकी गैजेट भी ऐसे ही कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए यूज हो सकते हैं एक मैच में।
मिनी सुपर हो गई है एक्टिव, और ये डैरिल को पहले मारते हैं। डैरिल ने जूस पी लिया, लेकिन मैंने गैजेट्स की मदद से और सुपर की मदद से मार दिया है डैरिल को, लेकिन कम हेल्थ की वजह से मैं भी खुद मर गया हूं। फ्रैंक ब्रॉलर ने अपनी सुपर यूज करके दो ब्रॉलर्स को मारा है, और मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगा। मोर्टिस भी गया, डैरिल भाग गया, मैंने गैजेट यूज किया, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं रहा। मैं फिर से रीस्पैम हो गया हूं। तीन टीम्स बची हैं। फ्रैंक को उसकी सुपर एक्टिव ने सुपर यूज की, और मैंने इसी मौके पे अपनी सुपर यूज करके और गैजेट यूज करके फ्रैंक को तो मार लिया। मेरी हेल्थ फिर से कम हो गई है, तो मेरे पास सुपर एक्टिव है, तो मैं बच सकता हूं। सिर्फ रोजा बची है और डैरिल भी बचा है, और मैंने रोजा को तो मार दिया। टू टीम्स लेफ्ट है और डैरिल ने मुझे मार दिया है, लेकिन क्रो के पास जूस है, क्या वो मार पाएगा? लेकिन नया ब्रॉलर आ गया है जो कि है फ्रैंक, उससे पंगा नहीं लेगा। और फ्रैंक ने सुपर यूज की, लेकिन क्रो भी हमारा प्रो प्लेयर है, उसने अपनी सुपर यूज करके हमें बना दिया है नंबर वन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैच में। प्ले अगेन की मदद से फिर से वही टीम आई है, और मैं अब थोड़े थोड़े बॉक्सेस कलेक्ट कर लूं ताकि मेरी हेल्थ और डैमेज दोनों ही बढ़ सके। और यहाँ पर आसपास कोई नहीं है तो आराम से बॉक्सेस कलेक्ट करेंगे। और ये सैंडी, सैंडी को इधर जरूर आएगा सैंडी, उसके पीछे क्रो भी है ध्यान से। और सैंडी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। सैंडी को मार के मेरे पास हो गए हैं 6 पावर क्यूब। क्रो के पास, मुझे लगा क्रो मेरे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो दूसरी डायरेक्शन में गया है। हमारे पास अभी भी अपने 3 चांसेस है गैजेट यूज करने के। सैंडी ब्रॉलर और क्रो ने दोनों ने मुझे घेर लिया है। मैं सैंडी को डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सभी हाइड हो गए हैं। लेकिन क्रो ब्रॉलर ने अपनी सुपर के साथ क्या धमाल मचाया है, वन मैन आर्मी दोनों को ही मार दिया। मैं सिर्फ मुंह देखता रह गया। और रोजा, रोजे के पास जूस था, और शुक्र है मैंने सुपर यूज करके बच गया। अब हम अपनी पहले हेल्थ को रिवाइव करेंगे। क्रो ब्रॉलर ने अपनी मेरे ख्याल से सुपर वेस्ट की। चलो कोई बात नहीं, क्रो ब्रॉलर अभी रोजा को डैमेज दे रहे हैं, लेकिन रोजा ने भी क्या कमाल की फाइट दी। मैं अभी भागू, और मैंने गैजेट का यूज किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। मेरे पास जूस पड़ा है, उसको हम पी लेंगे ताकि हमारी डैमेज बढ़ सके। और क्रो आ गया है हमारे सामने, और मैंने सुपर यूज करके रोजा को तो मार दिया, और गैजेट को भी यूज किया फिर से। और अब बस बी ब्रॉलर रह गया है। बी ब्रॉलर के पास 10 पावर पॉइंट्स हैं, तो बच के रहना पड़ेगा। मैंने सुपर यूज की, लेकिन कोई काम नहीं आई, पर फिर भी हम जीत गए क्योंकि क्रो ब्रॉलर ने बी को मार दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए स्केरी कृष्णा गेमिंग।